वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आई होप आप लोगों को यूनिट नंबर 3 डीप वाटर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री 1 द 3rd लेवल, है ना। क्या है इसके अंदर, क्या 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 समझाया गया है, किसने लिखा है, वो सबको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में समझते हैं। ऑथर कौन है? तो ऑथर का नाम है जैक फिनी, है ना। ये उनकी तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। जैक फिनी, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था और जिनकी डेथ जो है हुई थी 16 नवंबर 1995। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी लंबा जो है उनका जीवन काल था। वॉज बॉर्न इन मिलोकी विल्कॉन्सिन एंड गिवन द नेम जॉन फिनी, है ना। विल्कॉन्सिन में इनका जन्म हुआ था और इसी की वजह से जो है इन्हें नाम मिला क्या, जॉन फिनी। His father died when he was 3 years old and he was renamed Walter Braden Finney in honor of his father. उनके father जो है तब मर चुके थे जब वो 3 साल के थे, है ना। John Finney जब खुद 3 साल के थे तब उनके father की death हो गई और उनकी याद में जो है फिर उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, Walter Braden Finney. Yet the nickname Jack remained with him throughout his life. He attended Knox College in Galesburg, Illinois. है ना, जो नाम था निकनेम जैक वो हमेशा उनके साथ में रहा। कहाँ पढ़ाई की उन्होंने? तो नॉक्स कॉलेज जो कि आई हुई है गिल्सबर्ग इलिनॉइस में। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। टू ऑफ हिज नॉवेल्स द बॉडी स्नैचर एंड गुड नेबर सैम बिकेम द बेसिस ऑफ पॉपुलर फिल्म्स। दो काफ़ी उन्होंने जो है नॉवेल्स लिखी हुई हैं जिसमें से साइंस फिक्शन और थ्रिलर जो है वो हमेशा लिखा करते हैं, है ना। दो उन्होंने नॉवेल ऐसी लिखी हैं कि जो काफ़ी बाद में जाकर जो है पॉपुलर हुई और उन पर फिल्म बनाई गई। एक का नाम था द बॉडी स्नैचर और दूसरी का नाम था द गुड नेबर सैम, है ना। जैक फिनी फर्स्ट शोड एन इंटरेस्ट इन टाइम ट्रैवल इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द 3rd लेवल। सबसे पहले जो है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट दिखाया टाइम ट्रैवल के अंदर वो किस में दिखाया, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो कि था द 3rd लेवल, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। फिनिस ग्रेटेस्ट सक्सेस केम विथ हिज साइंस फिक्शन नॉवल टाइम एंड अगेन। सबसे बड़ी सक्सेस जो है उनको कब मिली, जब उन्होंने नॉवल लिखी टाइम एंड अगेन। फिनी डाइड ऑफ निमोनिया एंड एम्फिजिमा एट द एज ऑफ 84। 84 साल जो है वो जिए, फिर उन्हें जो है निमोनिया और एम्फिजिमा की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। नॉट लॉन्ग आफ्टर फिनिशिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड द सीक्वल टू टाइम एंड अगेन। उन्होंने जो है उससे मरने से पहले जो है ये दो किताबें लिख ली थी। पहली थी उनकी टाइम टू टाइम और दूसरी उन्होंने जो है सीक्वल बनाई थी, किसकी, द टाइम एंड अगेन की। जो पहली किताब थी राइट, उसी किताब की जो है उन्होंने यहाँ पर क्या बनाई, सीक्वल बनाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या होने वाला है। तो द 3rd लेवल बाय जैक फिनी इज अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर, है ना, कि ये जो वॉर है इन वॉर्स की जो रियलिटी है उसके बारे में जो है यहाँ पर समझाया गया। खास करके वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस थस लीविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। जो लड़ाइयाँ होती हैं उन लड़ाइयों की वजह से लोग जो है काफ़ी डर जाते हैं, उनके मन में जो इनसिक्योरिटी आ जाती है उसी के बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स, है ना। ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स जिंदगी, अभी जो भागती दौड़ती जिंदगी है और कैसे कॉमन मैन जो है इन भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ पल जो है चुराता है अपनी जिंदगी के लिए, उसके बारे में यहाँ पर समझाया है। जैसा कि मैंने बताया उनका जन्म जो हुआ था, जैक फिनी का अगर आप जन्म देखें वापस तो 1911 और 1995, है ना। तो जैक फिनी ने तकरीबन कहा जा सके कि दो जो है वर्ल्ड वॉर को विटनेस किया है, उन्होंने दो लड़ाइयाँ देखी है जिंदगी में और इसी की वजह से जो है उस पर प्रेरित होकर जो है उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम चार्ली हेलिसिनेट्स एंड रीचेस द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज 2 लेवल्स, है ना। कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली, जिसको हेलिसिनेशन की, हेलिसिनेशन क्या होता है, तो हेलिसिनेशन मतलब भ्रम जो आप आंखों से देख सकते हैं। एक भ्रम होता है जो आपको मन में होता है और एक भ्रम होता है जो आप आंखों से देखते हैं, उसे हेलिसिनेशन कहा जाता है। और वो हेलिसिनेशन क्या होता है कि जिसमें चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक स्टेशन का नाम है जो न्यूयॉर्क में आया हुआ है, ठीक है। इस स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है, 2 ही लेवल मतलब
कि ये जो स्टेशन है वो बेसमेंट में है, ठीक है, और पहला बेसमेंट है वहाँ पर और सेकंड बेसमेंट है। लेकिन चार्ली जो है उनको ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि वहाँ पर तीसरा बेसमेंट भी है और वो तीसरे बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, है ना। चलिए समरी समझ लेते हैं इसकी कि क्या है एक्चुअल में, क्या समझाया गया है, क्या कहना क्या चाहते हैं जैक फिने इस यूनिट के माध्यम से। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ली हु एक्सपीरियंस समथिंग वियर्ड, है ना। ये स्टोरी जो है 31 साल के एक व्यक्ति है चार्ली, उनके आसपास घूम रही है जो एक वियर्ड चीज जो है एक्सपीरियंस करते हैं। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे ही रीड्स द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हु डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना। एक दिन की बात है, वो एक सबवे से अपने घर की ओर जा, सबवे मतलब अंडरग्राउंड रेलवेज, है ना, वो वहाँ पर घर जा रहे होते हैं और वो एक तीसरे लेवल पे पहुँच जाते हैं, जैसा कि मैंने समझाया था। तीसरा लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है आया हुआ है, हालांकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो तीसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ही रेमिनिसेंस द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज सेक्रेटरी फ्रेंड सैम, और ये सारी बातें जो है वो किसको बताते हैं, अपने एक सेक्रेटरी फ्रेंड है सैम, उनको जाकर जो है ये पूरी बात समझाते हैं। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवल एंड हैड रीच समवेयर इन द 1890s, अ टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलीएस्ट वॉर्स। चार्ली जो है ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने एक ऐसी एक चीज एक्सपीरियंस की है कि जिसमें वो टाइम ट्रैवल करके आए, और टाइम ट्रैवल करके वो कहाँ पहुँच गए, 1890 में, है ना, 1894 में एक्चुअल में वो पहुँच जाते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा, है ना। तो वो 1890 में पहुँच चुके, उनको ऐसा फील होता है। और ये 1890 का जो समय रहता है वो कब का समय है, जो दुनिया ने दो डेडलीएस्ट वॉर देखे हैं उसके पहले का समय है, है ना। डेडलीएस्ट वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ये डेडलीएस्ट वॉर हैं जो दुनिया ने विटनेस किए हैं, उससे पहले का समय वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एज सून एज ही रियलाइज व्हाट टाइम ही इज इन, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाय टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, वन फॉर हिमसेल्फ एंड अदर फॉर हिज वाइफ, है ना। कि जैसे ही वो रियलाइज करते कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं, वो तुरंत ही जो है दो टिकट खरीदते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, एक वो खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। Unfortunately, the currency used in that century was different. हालांकि वहाँ पर उनके साथ में एक हादसा होता है, क्या कि वो जिस करेंसी को यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, जो नई कहा जा सकते हैं, कहा जाता है कि 20th सेंचुरी में, वो 1894 में पहुँचे थे फिलहाल, राइट, और वो एक्चुअल में थे कहाँ से, तो 20th सेंचुरी मतलब तकरीबन 1980 के आसपास के थे। तो उनको ऐसा वहाँ पर क्या हो जाता है उनके साथ में, कि वो वहाँ पर जैसे ही जाते टिकट खरीदने के लिए, तो जो टिकट कंडक्टर रहता है वो पैसे मांगता है उस टाइम की करेंसी, लेकिन उनके पास में उस टाइम की करेंसी नहीं होती, और 1894 की करेंसी जो रहती है वो तकरीबन बड़ी रहती है किसके मुकाबले, तो 1980 वाली करेंसी के मुकाबले। Thus the next day he withdraws all his savings and got them converted even if it meant bearing losses. तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी सेविंग रहती है वो सेविंग निकालते हैं बैंक में से, और जाकर जो है एक एंटीक शॉप पर उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो न्यू करेंसी देते हैं और उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं किस में, ओल्ड करेंसी में, ताकि वो क्या कर सकें, वापस उस थर्ड लेवल पर जाकर जो है गेल्सबर्ग इलिनॉइस की वो जो है टिकट खरीद सकें। इतना करने के बाद में जो है वो वापस से उस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा कभी वो थर्ड लेवल मिलता नहीं। इट वरीड हिज वाइफ एंड द सेक्रेटरी फ्रेंड सैम, हु टोल्ड हिम दैट ही इज हेलुसिनेटिंग इन ऑर्डर टू टेक रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एंड मिजरीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वरी। उसकी वजह से उनकी वाइफ जो है उनको टेंशन होता है, उनका फ्रेंड भी जो है घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक हेलुसिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं। ये जो दुनिया है जिसमें काफ़ी माइजरीज हैं, है ना, काफ़ी चिंता है, परेशानियां हैं बहुत सारी, तो उससे वो भागना चाहते हैं। इसी वजह से जो है वो बार बार उस थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ली थस रिपोर्ट्स टू हिज स्टैम्प कलेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, एंड सडनली वन डे ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली। चार्ली जो है फिर उसके बाद में अपने दादाजी का एक स्टैम्प कलेक्शन का जो बॉक्स था उसे उठाते हैं, ताकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके उस आइडिया से, और उसमें उन्हें जो है एक लेटर मिलता है जो किसने लिखा हुआ होता है, सैम ने,
और वो सैम जो है कुछ दिनों पहले ही जो है रियल वर्ल्ड में से मिसिंग होता है, गायब हो चुका होता है. सैम रोट दैट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ ही एनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट. और कहानी किस तरीके से खत्म होती है एक मिस्ट्री के तौर पर कि सैम जो कि हमेशा जो है ये कहा करते थे कि ये जो थर्ड लेवल का आइडिया वो बहुत ही बेकार है, उस आइडिया को उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, हालांकि वो खुद जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं थर्ड लेवल पे और वो चार्ली को एनकरेज कर रहे हैं, लुइसा को एनकरेज कर रहे हैं कि वो थर्ड लेवल को बार बार ढूंढते रहें और उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पर सैम पहुँच चुका है, कहाँ 1894 में, है ना. तो ये था समरी. एक्सप्लेनेशन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. टिल देन आप लोग सेफ रहें और खुश रहें, मज़े करें. थैंक यू.